माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश के लिए ड्रोन इकोसिस्टम पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई। ये हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 हिंदुस्तान भर में पहला राज्य बना है इस प्रकार की पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश। इसके कारण जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एचपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एचपी स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम, नेशनल की स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, विद्यार्थियों को और आम जनता को सशक्त करने के लिए जो है वो फ्यूचर में ये ड्रोन पॉलिसी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके कारण जो है वो नए रोजगार के अवसर ड्रोन पॉलिसी के कारण जो है वो अवेलेबल होंगे और इसमें जो है वो नई टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक पॉलिसी का निर्माण किया है। अभी तक इसमें 5-6 प्रदेश हैं जो काम कर रहे हैं पॉलिसी बनाने की दिशा में, लेकिन हिमाचल प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है और इसके लिए केंद्र सरकार के ओर से जो है वो इसकी पहले ही एप्रिसिएशन हो चुकी है जो है वो निर्णय लिया जा सके। चर्चा के उपरांत जो है वो अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि उसके कैबिनेट मेमोरेंडम बना करके लाएं, स्टडी करें, जिनमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अध्यापकों को यूजीसी पे स्केल देने का मामला भी है। इसी प्रकार से जो है वो JOIT के जो अलग अलग विषय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि में जो है पड़े हैं, उस विषय पर भी जो है वो चर्चा की है और चर्चा के बाद विभाग को उस पर जो है वो चर्चा के अनुरूप कैबिनेट में जो है विषय लाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से जो रेजन फैक्ट्रीज थी उसके कर्मचारी जो पहले सरकार में थे फिर कॉरपोरेशन में आए, उनकी पेंशन से संबंधित जो है विषय था जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज का भी विषय था, उस पर भी चर्चा हुई है और अधिकारियों को इस पर जो है वो डिस्कस करके जो है वो डेलीबेट करके इंटर डिपार्टमेंटल जो मंजूरियां लेनी है उसको लेकर के जो है वो फॉर्मल तरीके से जो है वो लाने के लिए कहा गया है। ये इनफॉर्मली कुछ विषय जो है इस बार मंत्रिमंडल में चर्चा में जो है वो अधिसूचित थे, उस पर भी चर्चा हुई है। निर्णय जो हुए थे वो मैंने आपको जो है वो परमाणु के टकसाल जगह पर सोलन जिला में रेलवे पुलिस का जो है वो आउटपोस्ट जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। ये आउटपोस्ट पहले यहाँ पर काम करती थी लेकिन फिर कुछ कारणों से ये बंद हो गई थी। अब इसे पुणे जो है वो खोल दिया गया है। ये रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला के अंतर्गत आता है जो ये पुलिस आउटपोस्ट है, ताकि उस एरिया के जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं उनको जो है वो टैकल किया जा सके, खास करके रेलवे ट्रैक्स इत्यादि के ऊपर। मंत्रिमंडल ने एक नया जो है वो सर्कल SC का दफ्तर जल शक्ति विभाग में खोलने को मंजूरी प्रदान की है, जो धर्मपुर में मंडी जिला में खोला जाएगा।
जल शक्ति विभाग का एससी। मंत्रिमंडल ने जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है चंडी कांगड़ा जिला में, इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्या में जो 6 बिस्तरों वाला जो वहां पर हॉस्पिटल है उसको 50 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने को मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 27 पद अलग अलग कैटेगरीज के जो हैं उनको भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के दाड़ला घाट में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ साथ 8 पद अलग अलग कैटेगरीज के जो हैं उनको सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। स्कूल्स पलाही धार और घनीत जो मैं है इनको जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में परिवर्तित करने को मंजूरी दी है जो मंडी जिला में है, और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कंधी टीली मंडी जिला में इसको जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में अपग्रेड कर दिया है और इसके लिए 11 पद जो है वो भी सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो है वो बड़ी में जो म्युनिसिपल काउंसिल सुंदरनगर के अंतर्गत आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जो है नई वेटरनरी डिस्पेंसरी खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए जो है वो 2 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो वेटरनरी डिस्पेंसरी थाची जो है बाली चौकी तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उसे वेटरनरी हॉस्पिटल में जो है वो अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 3 पद जो है वो उनको भी भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने नया पटवार सर्कल मुरहाग जो थुनाग तहसील में है मंडी जिला में उसको भी जो है वो सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है। जो पटवार सर्कल जो है वो शिकवाड़ी और कांडी को जो है वो रिस्ट्रक्चर करके जो है बनाया जाएगा। अबाबरो में HRTC का डिपो जो है वो बस स्टैंड बनाने के लिए जमीन जो है वो लीज पर 99 ईयर्स की लीज पर जो है वो देने को मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो निहरी मंडी जिला में और जरी कुल्लू जिला में यहाँ पर नई फायर पोस्ट फायर की चौकियां जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की हैं। 2 नए फायर सब स्टेशन एक उदयपुर लाहौल स्पीति में और दूसरा जो है वो चंबा जिला के किलाड़ में रिमोट एरियाज दोनों ट्राइबल एरियाज वहां पर जो 2 नए सब स्टेशन खोलने को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने चौपाल में जो है वो एक फायर पोस्ट है जिला शिमला में, एक सिरमौर के सिराई में है और एक लाहौल स्पीति के किलोंग में है, इन सबको अपग्रेड करके फायर सब स्टेशन जो है वो बना दिया है उसको मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 129 नए पद जो हैं वो सृजित किए हैं और साथ ही साथ 16 गाड़ियों जो है वो उसको भी मंजूरी प्रदान की है इन फायर पोस्ट और फायर सब स्टेशन के लिए। मंत्रिमंडल ने जो है वो हाई स्कूल बरोट
जो फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी में है कांगड़ा में, इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स जो है वो सकरयार जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र में मंडी जिला में, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुलखर जो सरका घाट जो क्षेत्र है मंडी जिला का उसमें है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंडी खदाना जो पिछाद विधानसभा क्षेत्र में है सिरमौर में, इनको जो है वो अपग्रेड करके हाई स्कूल में जो है वो परिवर्तित कर दिया है। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ददीक डिंगरी जो पिछाद क्षेत्र में है सिरमौर जिला में, इसको जो है वो अपग्रेड करके मिडिल स्कूल में जो है परिवर्तित कर दिया है, और इन सब के लिए जो है 20 नए पद भी सृजित करने को मंजूरी दी है। इस मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी प्रदान की है, जिस लॉजिस्टिक्स जिससे स्टेट की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको सशक्त करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग में हो, और साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट जो है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में पॉलिसी और मॉनिटरिंग जो है इसकी इसको प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाएगी। मंत्रिमंडल ने जो है वो इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए इसमें जो है वो अट्रैक्ट किया है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट हो, और उससे जो हमारी बहुत सारे क्षेत्रों में खास करके जो है वो जो हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो है, फिर हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं, इंटेग्रेटेड कोल्ड चेन्स हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, हमारे जो हैं वो ट्रक टर्मिनल्स हैं, एयर कार्गो फैसिलिटीज हैं, और क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स हैं, इंटेग्रेटेड कोल्ड चेन है, इन सब को जो है वो इस लॉजिस्टिक पॉलिसी से जो है वो मजबूती मिलेगी, और प्रदेश में जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट जो है इसे अट्रैक्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।